जाया। और ये वो स्थान है, मैं वो स्थान बनाना चाहता हूं मनुष्य के लिए जिसमें मेरा खाली, वो मेरा काम नहीं है। तुम ही उसके आधार स्तंभ हो, तुम जो तुम्हारे कान में बात जा रही है। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे कान में खाली बात जा रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी इस पृथ्वी पर कितने जीवों को मदद कर सकती है। आगे तुम क्या काम करोगे तुम्हें क्या पता है, और कितनी क्षमता है। जो लोग इतने विधायत्मक लोग हैं, जिसके पास इतनी क्षमता है, शक्ति, मैं तुमसे अगर राजी नहीं हूंगा तो कहां राजी नहीं हूंगा कि तुम तुम्हारी क्षमता से नीचे जाओगे, जहां नीचे वहां मैं राजी नहीं हूंगा। तुम्हें 100 में से 100 मार्क आना चाहिए। तुम्हारे भीतर मैं बैठा हूं, मैं एग्जामिनर हूं तुम्हारा। देखो मैं बैठा हूं तुम्हारे भीतर, तुम पूछो मुझसे, तुम्हारे भीतर ही पूछो। चलो मैं बताता हूं तुम कि मुझे कितना मार्क मिला आज के दिन में। तुम्हें रोज मैं रोज कसौटी दूंगा। चलो कल मैं 4 व्यक्तियों को सीधा पास कर रहा हूं, जैसे कि सागर है, घंटू है, रंजन है, चक्का बापा है। मैंने स्थान बदले, मैं देखना चाहता था कि विरोध कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं जाना, बहाना बनाते कि नहीं मेरे पैर में ये है वो है, मैं नहीं जाना चाहता हूं, इस हम साथ में नहीं रहना चाहते, पास तुम चल। एक दिन मैं नहीं कह देता तुम्हें, और तुम हर प्रयोग में मैं कहता हूं, सबको कहता हूं। दिनेश को पता है कि मैं उसके सामने, मैंने क्षमा भी मांग ली, मेरी जहां भूल हो गई, मैं तुम्हारे सामने, और मुझे कोई डर नहीं, मैं तुम्हारे सामने उस वाणी को जाने दो तुम यूट्यूब पर, कि जहां मैं तुम्हारी क्षमा भी मांग सकता हूं कि हाँ मेरी भूल हो गई, तुमसे क्या छिपाना, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, तुमसे क्या छिपाना। तुम्हें भी इस तरह से जीवन को जीना है। जो मेरा दृष्टिकोण है वो ये है कि हम इस तरह का काम करें जीवन में, क्या कमी है हमारे पास, क्या कमी है, हम अपना भी उद्धार कर ले और इस तरह से काम करें कि और जो आ रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं, इतने अनूठे अनूठे लोग आ रहे हैं, अनूठे काना जैसे तेजस्वी युवान आ रहे हैं, तुम्हें उसके लिए काम करना है, ठीक से तुम्हें संभालना है। यहां जो लोग रहते हैं उसे बहुत संभलना है, तुम्हें अंदरों अंदर समझ से काम लेना है। मैं आगे भी आ रहा हूं इस विषय पर, आगे भी आ रहा हूं, लेकिन ये ऐसा स्थान हमें बनाना है। मैं ऐसा गांव देखना चाहता हूं इस पृथ्वी पर, ऐसे गांव होने चाहिए जहां एक भी रोगी ना हो, रोग ना हो, रोग मनुष्य के जीवन, ऐसे ऐसा तंदुरुस्त गांव नहीं हो सकता। मैं दिनेश को पूछना चाहता हूं ये प्रश्न, युवा ने अभी, कि ऐसा हम कुछ नहीं बना सकते, तंदुरुस्ती का मार्गदर्शन मनुष्य तक इस तरह से नहीं पहुंचा सकते कि धीरे 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 सब जागते जाए, सब जागते जाए। और जो स्वास्थ्य का ज्ञान है वो फैलता जाए, और फैल ना ही है और फैलेगा ही, ये मेरा श्रद्धा भी है और विश्वास भी। शांति शांति।